भाई इसका फिल्टर शॉर्ट कर दो। मिक्की माउस वाले बैग में भाई साहब अपनी पैकिंग हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको पता लग गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट हम बहुत मस्त ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर बड़ा बैग है तो समझ जाओ कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं। क्यों भाई मोटे, तेरे रूएं काटने की मशीन, मम्मी की रूएं हटाने वाली मशीन, मम्मी ने रूएं हटाए हैं बहुत इस पे ना। शाबाश, चलो जी एक फोन ले लिया, ये दूसरा फोन ले लिया, बैग दोनों, गाड़ी लेकर आऊँ, चाबी देना। अडैप्टर है कहाँ? अडैप्टर तेने चोरी कर लिया। वो दे दे चाबी गाड़ी की, अगली मेज पे रखी जा, अगली मेज पे रखी। राम राम जी सभी लोगों को। और भाई एक तो ये बता, तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है बदमाश में, इस वाली में एक्सक्लूसिव बदमाश, ये बस मैं ही पहनता हूँ, समझ रहे हो तुम, अभी लॉन्च ही ना हुई, मैं ही पहनता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये बताना मेरे को कमेंट करके, और डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक है, वहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हो सिस्टम क्लोथिंग के, बहुत तगड़ी क्वालिटी है, एक बार लेके देख लोगे ना तो मैं मजा ना आ जाए, मेरा नाम बदल देना। ये वाली बात भी है कि तुम पे वो भी तो पूरे गाली बकने का कि भाई अलविश भाई ये ख़राब है, बोल ही नहीं सकता कोई खराब है ही ना, क्योंकि साढ़े फैब्रिक के बिजनेस में आ गया मैं, अब तगड़ा फैब्रिक बनाने लगा, मुझे पता लग गया कि क्या पहनना है, अब जो मुझे पसंद है, अब मेरे को जो बढ़िया लगता है भाई वही सही लगता है मुझे, तो मैं क्यों लो क्वालिटी में जाऊँ, समझ रहे हो, एक पैसा दो पैसा कम कमा लेंगे, साढ़ा क्या बात हो गई। तो भाई क्या सीन हुआ देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब हम जा रहे हैं राजस्थान, अब राजस्थान में मैं अभी ये नहीं बताऊँगा अभी हम कहाँ जा रहे हैं, एक एक करके आपको पता लगेगा। बिग बॉस के बाद मेरा पहला राजस्थान का टूर है, और मेरे को राजस्थान में जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन, ये पुराने जितने भी लोग देखते होंगे उनको पता भी होगा, और जितने नए जुड़े हैं आप जान लो, भाई साहब राजस्थान इसमें लव, मेरा जिंदगी का पहला मीटअप राजस्थान जयपुर में था, तो मैं बहुत लगाव है उस जगह से, मतलब बहुत प्यार करते लोग वहाँ के मेरे से, और मैं भी प्यार करता हूँ बराबर का। पहले तो मैं जाते रहता था, बिग बॉस के बाद टाइम नहीं लग पाया राजस्थान टूर का, एक बार बस मैं वो सॉन्ग शूट के लिए गया था मंडावा, उर्वशी वाला जो गाना था हम तो दीवाने उसके लिए गया था, उसके बाद नहीं जा पाया। तो अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ दूसरी दफ़ा, तो कहीं कहीं पूरा राजस्थान भी कवर कर सकते हैं, और अपने 10 तारीख को जयपुर में शो भी है, कौन सा क्लब है वो, जार जहाँ पता ना कौन सा क्लब है उसमें, ठीक है मैं नाम नहीं लेना रहा, ठीक है वो सारे जनों को मिलते हैं। और एक सरप्राइज पता है क्या है कि फॉर्चुनर तो जा ही रही है, हमारी मर्सिडीज़ ब्लू वाली की पहली ट्रिप है, ब्लू वाली मर्सिडीज़ को निकालेंगे सड़कों पर, बढ़िया। चलो जी एक तो ये चल पड़ी भाई, अपने सामान सुमन इसमें घेर दिया, एक बैग मर्सिडीज में घेर दिया, अपने ये घेर लिए, वो का है मोटा गोरा मोटा, चलो भैया मोटा कोई नहीं, मेरी फॉर्च्यूनर जा रही है, ट्रिप निकालो भाई, अपनी मर्सिडीज निकालो, आज इसके साथ टको वॉर करेंगे, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके भाई साहब, ओके गाइस, जय श्री राम गाइस। ट्रिप होती है हमारी स्टार्ट, लगा लिया बेल्ट, हो गया टाइट भाई, बैठ का गाड़ी में, दोनों फोन तेरे पे मेरे बाकी के, ठीक है तो अभी चार्जिंग में लगा के सीधा निकलते हैं, पहले जा रहे हैं हमारे भाई साहब के पास, मिस्टर इंडियन हैकर के पास, अजमेर। चलो जी अजमेर की राह शुरू, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। गाड़ी चलाने का असली मजा इधर है भाई, ये हम बॉम्बे हाईवे चढ़े, वैसे तो टोल क्रॉस कर लिया हमने, एक बार मैप लगा के दिखाइयो भाई कितनी दूर का रास्ता दिखा रहा, अभी दिखा रहा है ये देखो, 5 घंटे का रास्ता, 5 घंटे 19 मिनट हमारा, 5:25 का अराइवल दिखा रहा है, ये रहा देखो पर भाई इस गाड़ी में 180-190 भी पता नहीं लग रहा कि आप इतनी तेज चल रहे हो, इतना कंफर्ट है, और गड्ढो मतलब गड्ढे तो है नहीं, मतलब लहर रही है गाड़ी, ग्लाइड कर रही है, मस्त मजा आ रहा है इसे चलाने में, इसे ऐसे छोड़ जाए तो खुद चलती है, इसमें ना वो हमने वो लगवा रखा टेस्ला सिस्टम, अभी देखो खुद मुड़ जाएगी आगे ना, कर्व है, अब देखना, देखते रहना इसके ना हैंडल को, देखते रहना देखो अपने आप मुड़ती रहेगी, ये देखो मैंने थोड़ी मोड़ी है कर्व पे, अपने आप मुड़ रही है देखो, अब थोड़ा और कर्व आ गया, अभी अपने आप देखो इधर भी हो जाएगी, सिस्टम लगा रखा मैंने इसमें वो वाला हाथ वाला हम भी नहीं सोच रहे थे अलविश भाई तकड़ी गाड़ी ले रखी है भाई, है तो सही है वाला सिस्टम, इसमें इधर की साइड आता है, किसी दूसरी गाड़ी के पीछे लगा के मैं इसको फॉलो अप कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं अडास। पर पहली बार ही निकला हूँ भाई इस गाड़ी में ना ट्रिप पे मैं, तो विश मी लक, और भगवान करे हम सेफली पहुँचे और सब चीज़ जो हमने सोची है वो टाइम पे और सही तरीके से हो। एक बारी मैंने अपने पापा से पूछी थी, मैं और पापा वैगनार में थे, मैं गाड़ी चला रहा, तो मैं कह रहा पापा छोटा था मैं, मैंने कहा पापा जी स्पीड कितनी होनी चाहिए चलाते हुए, कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, देखूं मैं स्पीड इतनी है तो उस उतनी चलानी चाहिए, तो पापा ने मुझे वो चीज़ बोली, पापा बोले कि स्पीडोमीटर में कभी देखना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं संभाल लूँगा, संभाल लूँगा नहीं, कि आपका व्हीकल चल रहा है आपको पता है कि वो सही चल रहा है गलत चल रहा है, वो आप बिना स्पीडोमीटर में देख के भी पता लगा सकते हैं। हाँ वही मतलब। ये रोड टेढ़ा है या फिर ये अलाइनमेंट ऐसी हो रही है? रोड में लहर है भाई। रोड में लहर है ना, फिर ठीक है, मेरे को अपनी गाड़ी पे शक हो गया। एक्चुअली मैं ना थोड़ा शक की किस्म का आदमी हूँ,
नॉन लिविंग थिंग्स पे शक करता हूँ। अपना वो ऑन कर ले वेंटिलेटेड सीट्स, मैंने तो ऑन कर रखी है अपनी। ठंडी वाला सपोर्ट आगे नहीं कर रखा ना, अभी कर लेता हूँ। सपोर्ट तो चाहिए नहीं ना, इलेक्शन थोड़ी इलेक्शन थोड़ी चल रहे हैं भाई। हमारी ट्रिपल आर छोड़ के बग्गी साढ़े, हमने ना नया फास्ट टैग बनवाया, ये इधर ऊपर लगवाया हमने फास्ट टैग इसका, तो उसमें रिचार्ज करवाने रुक रखे थे हम, क्योंकि हमें करना ना आ रहा था। ये साढ़े बग गए, मैं कहा चलो आओ। हम दुनिया के राजे, कौन टक्कर में पत्ता दे, दुश्मन जुत्ती के नीचे, भाइयों ने दिल में जगह दे, जब हम हैं आते। भाई मर्सिडीज दे रही है 10 की एवरेज, 9.8 कंबाइंड। भाई 9.8 की तो सही दे रही, कटा रही है ये एवरेज है ना। और फॉर्च्यून कितने की दे रही है, 100 की? ये दे रही है 595। ओह माय गॉड। चलो जी चलो, मैं इस वाली में आ गया। मैं कहा थोड़ी देर ना लेफ्ट साइड में बैठते भाई सब, चलाओ उसको, बोलना धीरे चला, ना मारूंगा। गाड़ी के फैंस देख लो गाइस, गाड़ी के फैंस। वाओ क्यूट। अरे ट्रक वाला भैया है, ट्रक वाला भैया बहुत देर से आ रहा था, वो लगाइए भाई। अब ट्रक साइड में लगाया भाई ने ताकि फोटो खिंचवा सके। ले भाई खिंचवा ली फोटो, एक नंबर पोज भाई, पोज आएंगे इसके अभी ना। भाई मैं तो एक घंटा सोगा, मगर फ्रेशनेस बनी रहनी चाहिए, और पहुंच गए हम दिलराज फ्रेशनेस। और क्या भाई, नींद पूरी ना हुई थी, भाई भाई पहुंच गए दिलराज भाई के पास। अंदर घुसते ही अभी दिखाता हूँ तुम्हें नज़ारा, लैब दिखाता हूँ तेरी। लैब देख कर आएगा, लैब भाई खड़ी है, गाड़ी गाड़ी खड़ी है, बस सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी है। अरे गाड़ी खड़ी है, चेंज हो गया तो बुलडोजर बुलडोजर भी खड़े हैं भाई। भाई सवारी चल पड़ी, ये देख लो, ये वाह फुल क्रेजी कर दिया, आती क्रेजी हो गए सारे। ये कौन रख रखा भाई गेट खोलने को तुमने? पुलिस वाले कपड़े क्यों दे रखे हैं इसको? बहुत सारे लोग आते हैं ना इसलिए भाई, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सेट कर रखा भाई ना। अभी हम जा रहे हैं भाई साहब मछली पकड़ने। आते ही नई चीज मिल गई हमें इधर मछली पकड़ने की, हमारी प्राइवेट लेके। वो प्राइवेट लेके अपनी? नहीं भाई, भाई यार की प्राइवेट लेके, मछली भी प्राइवेट है भाई इसमें अपनी। हां रेंट पे ले लेते हैं मछली, मछली इसमें उगाई है, मतलब क्या सीन कर रहा हूं, बड़ी करी है मछली ने, पैदा करी है तेरे कर करके कुछ कुछ। भाई मछली कहां से लाए हो भाई? यहां मिल जाती है अजमेर में अपने, फिर उसमें उठा के इधर इधर डाल दी, तो रेंट पे फिर उल्टी देनी पड़ती है। हां उनको बड़ी करके दे देते वापस। ओके अच्छा ऐसा सिस्टम भी है भाई, नई दुनिया चल रही है अजमेर में भाई। ये तो मेरे से मॉडल है भाई, छोटी मछली लेगा बड़ी करके दे दो, पैसा मिलता है फिर तुम्हें उसका भाई? हां पैसा मिलता है, प्लस अपना जो पानी साफ रहता है ना वहां पे, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अच्छा ये भी ठीक है भाई, चलो तो आज मछली पकड़ेंगे। मैंने कहा मछली ना पकड़ी तो वो भी हम पैसे से करने वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पकड़ेंगे कैसे मछली? वो तो अपने बंदे ही पकड़ लेंगे, जैसे भालू पकड़ता हूं, बियर पोर जैसे क्रिश पकड़ता। चलो अभी देखते हैं भाई कैसे पकड़ेंगे मछली आज, वन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हम लोग तो खाते नहीं है, वेजिटेरियन है, अब हम क्या जाने। मंगवा दूं 8 GB लाइट के लिए? है ना ना भाई, हम तो रॉ व्लॉगर से रॉ। मैं कह रहा हूँ इसकी भाई, इसकी रेस करो, कब करोगे रेस इसकी? अरे नहीं नहीं यार, रेस नहीं यार, आपसे थोड़ी जीत पाएंगे भाई यार। भाई तुम पैदल भक्के भी जीत जाओगे। वो ये किसने खोल दी? रोलर स्केट्स पे जीत जाएगा भाई तुमसे, रोलर स्केट्स पे। भाई चलाते रोलर स्केट आप? भाई वो तो दिखाओ, थार तो दिखाओ, रिमोट कंट्रोल वाली वो। अरे यार आपने रिवील कर दिया, स्पॉइलर दे दिया, लेकिन आ जाओ चलो। तो गाइस थार बना रहे थे हम एलविश भाई। अच्छा अभी आई नहीं है क्या आपको पहले ही? भाई एक्सक्लूसिव ये वो ये नहीं, इसकी चाबी कहाँ है थार? अच्छा ला भाई ये तो तगड़ी नया मॉडल है क्या? ये नया मॉडल रिमोट कंट्रोल वाला बना दिया सबसे टॉप। अच्छा टॉप मॉडल का कराए भाई, इसमें क्या करा हमने जो? अरे तेरी रे, ये तो कुछ कर रखा है इसका, तो हटा रखा हैंडल उंडल। ये रिमोट से चलती है, ये रिमोट से चलती है। रिमोट कंट्रोल कार है मतलब बढ़िया है। हाँ भाई तब में तो बड़ा दिमाग है यार, ये कैसे किसने करा? ये हम नहीं करा भाई।
वो क्या है कि इसको पहाड़ से फेंकेंगे ना तो अब आदमी तो चला नहीं सकता, तो अब रिमोट से चला के फेंक देंगे। अब अच्छा एक क्वेश्चन है भाई के लिए, भाई क्यों ऐसे ही मजे के लिए टाइटेनियम आर्मी के लिए? टाइटेनियम आर्मी कुछ भी कर देते हैं, टाइटेनियम आर्मी का सिस्टम है, इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है भाई। ये बैटरी लगाई हमने इसमें, हां और ये नीचे, ओ शिट भाई ये तो कुछ ज्यादा जुगाड़ कर रखा तुम लोगों ने। अरे ऑटोमेटिक गाड़ी की है, चलो बैठोगे क्या, चलाएं इसको भी, चला दो ये खुद चलेगी और मैं उधर बैठूं? नहीं अभी अभी फिलहाल तो जो है इसको, अभी आपकी सेफ्टी के लिए ड्राइवर बैठेगा। ना ना वैसे करेंगे भाई, बिना ड्राइवर चला दो साड़ी को आज। नहीं नहीं आप बैठना पड़ेगा भाई, सेमी ऑटोमेटिक बैठ जाऊंगा। ठीक है तो रुको बुलाता हूं इसको भाई साहब। अभी जिंदगी में ये सब करना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतनी तो गाड़ी खड़ी है, एक एक करके सब में आग लगा देंगे आने वाले टाइम में। भाई इसमें कब आग लगा रहे हो? इसमें नहीं लगा रहे, ये मोटरसाइकिल कब इसको दे के आ रहे हो कहीं भैया? ये कब ब्लास्ट होनी है ये? इसको इसकी भी वीडियो आ रही है, इसको अपन जो है मैं मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब लोग कहेंगे यार मोटरसाइकिल के साथ ऐसे कौन करता है, बस इतना सा इतना मोटरसाइकिल पेल देंगे। ऐसे कौन करता मोटरसाइकिलों के साथ काम करते यार अपनी हो इसको बनाएगा रिमोट कंट्रोल। अरे ओ भैया बुझ आ जाएगा भाई, फिर तो ओ भैया सोते सोते गाड़ी चलेगी फिर आपकी भाई, तुम्हारी गाड़ी सब इसका क्या कर सकते हैं भाई हम? हां अंदर ड्रिफ्ट मारो किसी गाड़ी से, अंदर वाले में फिर कैसे हो जाएगा मेरी गाड़ी से? इसमें अंदर ड्रिफ्ट मारते हो भाई आप? हां भाई सब कुछ मारते हैं अंदर, वही तो सब कुछ करने को रेडी बैठे बंदे भाई। यहाँ ये ऐसी जगह है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। तुम कहोगे ना भाई साहब ये करने का मन है, हो जाएगा। मस्टैंग अभी ठुकवाने की बातें चल रही है, कटारी है तो जो ऊपर बांध के बजा दूं। यहाँ पे मारो ड्रिफ्ट मारो यहाँ पे भाई, सुन तो लो भाई यार महिंद्रा से बैन है। सही में? इसका वीडियो देखने के बाद कार का वीडियो चला गया था वाओ। YouTube पे 17 हाँ, इसको भाई हम भी बैन है कहीं जगह से, आप महिंद्रा से बैन हो गए भाई? खड़ी कर दी पानी के अंदर, तो बैन क्या कर रहे हैं भाई? हमने कुछ करा गाड़ी, अभी उनको लगता है ना कि हमारी गाड़ी को नीचे दिखा दिया, कर दिया वो कर दिया, वो उनकी थोड़ी है, हमने खरीद ली ना, बताओ हमारी है भाई। ये सब कौन कर रहा है? ले भाई अभी ये मस्टैंग की ड्रिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। ले भाई वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। भाई घर अपनी जिम्मेदारी पे रहना इधर भाई, यहाँ भी ठोक सके भाई, यहाँ भी ठोक सके ओ भाई तू भाई, ये तो ठोकने के लिए बना रहे, गेट का फर्क भी ना पड़े। इसका फिल्टर सॉर्ट कर दो भाई, थोड़ी सी रहेगी भाई, ऐसे करके यहां से घुमाओगे तब अर्चित के पीछे लगेगी भाई। पानी डाल दो पूरे उसमें, पानी सरफ वाला पानी, और मछली डाल दो तालाब से लाके भाई, तो बीच में से काट दो, नैनो बना दो इसको, साड़ी को उड़न तस्तरी बना दो भाई, इसके ऊपर पंखे लगा के साड़ी उड़ा दो यहीं से ही। इसको बैम्बू कॉप्टर बना दो पक्का। हाँ। नहीं दोनों साइड में जेट इंजन लगाने भाई, इसका एक काम करो इसको वो इसमें चीट कोड लगाओ सीवीएस, उस पर चलेगी फिर ये। कोशिश कर सकते हैं भाई, भाई इसमें तो सही कर रहे हो भाई, जो कर रहे हो सही है ना भाई, को पल्सर खड़ी है भाई, वो पल्सर का नाम क्या पल चला गया इसमें से, पल सर है खाली है भाई, भाई यूएफओ चलाऊंगा, यूएफओ फाइनली गाइस, टेस्ला सब ने मंगा ली है, साइबर ट्रक भाई, साइबर ट्रक मंगा रखा हमारे भाई ने भाई, इसकी वीडियो बना रखी हमने, इसका तो चलो कर सकते हैं, इसके अंदर गाड़ी है इसका दरवाजा भाई, पता नहीं कहाँ इसका दरवाजा, इधर है भाई, रिमोट कंट्रोल है, मैनुअली ये गाड़ी, इस पे आप बैठ सकते हो, एक और जाओ, उड़ा उड़ा चेरी सेकंड टेबल फंग एसी
अंदर बैठ जाओ आपको बाहर का चारों तरफ का दिखेगा। इसे ले लो भाई अंदर, इसे ले लो अंदर, मतलब क्या खुश हो रहा है, खुशी देगी इसकी अभी भाई, चला के दिखाना भाई, ये पहना दिया बुरका भाई, ब्लास्ट तो ना हो जाएगी साड़ी भाई, कुछ होने वाला भाई, कुछ होने वाला भाई, पीछे मस्टैंग भी है, कई फर्क पड़ा ठुक भी तो वैसे कल काट रही है सुबह उठ के भाई ने यहाँ पे मेरठ बना रखा ये क्या बकचोदी चल रही है देखो मेरे आगे इसको ले जाते गुड़गांव भाई, ये क्या सही चीज है यार, ये तो बैटमैन की गाड़ी है, बैटमोबाइल वो बोट भी पड़ी है, जहाज इसको इसके इसके भी टायर लगाएंगे, इसी से कहते हैं वो ट्री हाउस के पास, आपको दिखाया नहीं था हमने, उनको भी ज्यादा भाई दिखाना, ये देखो कटारे घुस जाए इसमें, कहां है भाई बोट, ये ना अच्छा ये हो चप्पा ये उल्टी करके रखा है, चप्पा कोई काम नहीं करता, कटारा घुस गया इसके में, भाई ये क्या चीज है, ये तो 100 तोपों की सलामी लगी, तोप असली की तोप, 100 फायर होते हैं, 100 फायर भी होते हैं इसमें, सामने से तो चली भी उसमें से गोले निकले हैं, तोप चलाई है भाई, तोप बना दी बंदों ने यार भाई, एलविश आर्मी में आ जाओ, हमारी में तोप नहीं है आर्मी में ना, ये चली भी भाई लॉन्च्ड है भाई, दिखाऊं ये 100 है 100 वाह वाह भाई, इनकी आर्मी तोप भी बना रही है असली की, ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई थी कि YouTube पे डाल ही नहीं सकते, तो ये वीडियो नहीं आएगी, भारी हो गई थी, ये प्रोजेक्ट फेल है हमारा, हमको दे दो ये हम डाल देंगे नहीं हम डाल देंगे फेस ब्लर करके, वो बॉम्ब स्क्वाड चाहिए उसके लिए, फेस ब्लर क्या पूरा ब्लर करना पड़ेगा भाई, ये कुछ भी बना दे मैं भाई, बंदे सही है भाई, अब हम साथ में मिलके वो बना रहे हैं बैट पॉड, बैटमैन की मोटरसाइकिल और ट्रेन बना रखी भाई, वो तो दिखा दो रॉकेट, रॉकेट जो बनाया होगा मून पे जाने के लिए, वो बाहर टंगा हुआ है ना खंबे पे बंधा हुआ है भाई, और ये क्या भाई सामने, ये सीढ़ी है ना भाई, सीढ़ी की गाड़ी है, हाँ ये भाई सीढ़ी नहीं की ऐसे चला है, एक जना बैठ के सीढ़ी आगे पीछे कर देता, वेरी नाइस भाई, और ये जितना सामान यूज होता है ये सारा सारा यूज होता है भाई, बिल्कुल भाई टैलेंटेड टीम ले रखी है भाई ने तो पूरी, ये है बढ़िया चीज़, तो कटारी ऐसे ले चल उदयपुर, ये व्लॉग भाई इंडियन हैकर भाई के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बढ़िया लगा भाई से मिलके, और जो भाई ने अभी इंडियन टेस्ट देखा मज़ा ही आ गया भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।